थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों को लेकर अब मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। खुद कमलनाथ ने कल ये कहा कि कोई ऐसी बात होती है तो वो खुद ही इसकी जानकारी देंगे। जब पत्रकारों ने कमलनाथ से कहा कि आप बीजेपी में जाने के सवालों पर इनकार नहीं कर रहे हैं तो कमलनाथ ने जवाब दिया कि इनकार की बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश हालांकि कमलनाथ पर बोलने से बचते नजर आए। तो लगातार अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसे में जिस तरह से उनके दिल्ली दौरे को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि कल उन्होंने छिंदवाड़ा के कई कार्यक्रम जो है अपने रद्द कर दिए। उनके बेटे सांसद बेटे यहाँ पर उनके नकुलनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो बायो से कांग्रेस नाम हटा दिया, इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर कहा यह जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के कार्य को देखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए, उनकी लड़ाई को देखते हुए तो नहीं लगता कि उनके पुत्र होकर के माने जाएंगे। और फिर व्यक्तिगत विचारधारा है, कौन क्या सोचता है अलग मुद्दा। कोई पार्टी से नाराजगी है? नहीं, पार्टी सुन के नाराज क्या हो सकता। नाराज तो दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ उन्हीं की चलती हो, हाई कमांड से भी ज़्यादा माने पावरफुल हों, उनकी बात हर जगह मानी जाती हो, ऐसी स्थिति में उपेक्षा का और उसका कोई सवाल ही नहीं बात न मानने का। तो कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व क्या सोच रहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। कल जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से कमलनाथ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी के पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। Z News।